नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अवधेश टेक्निकल के यूट्यूब चैनल पे। तो आप में से हर कोई ने ब्रह्मोस मिसाइल के बारे में तो सुना ही होगा, जो कि इंडिया और रूस के जॉइंट वेंचर कंपनी ब्रह्मोस एरोस्पेस के द्वारा डेवलप हुआ है। तो आप सब ये भी जानते होंगे कि ब्रह्मोस एक ऐसा सुपरसोनिक मिसाइल है जो कि दुनिया में ऐसा ही एकमात्र ऐसा मिसाइल है जो कि तीनों सरफेस पे से लॉन्च किया जा सकता है, जो कि है वाटर, एयर एंड लैंड। यह किसी भी एयरक्राफ्ट में जुड़ सकता है, यह किसी भी शिप पे से उड़ सकता है और यह किसी भी लैंड के लॉन्चर में से उड़ सकता है। सो आपका ज़्यादा समय जाया ना करते हुए आज की इस वीडियो को शुरू करते हैं। तो आप लोग ये सब जानते होंगे कि दुनिया का सबसे अच्छा सुपरसोनिक क्रूज़ मिसाइल है ब्रह्मोस। क्रूज़ मिसाइल का अर्थ होता है कि ऐसा मिसाइल जो कि मूविंग टारगेट पर सटीक हमला करने में यूज़ होता है। जैसा कि आप अगली पिक्चर पर देख सकते हैं कि यह एक एयरक्राफ्ट में ब्रह्मोस मिसाइल लगाया गया है। यह दर्शाता है कि ब्रह्मोस मिसाइल किसी भी एयरक्राफ्ट में जुड़ सकता है। अब आपके सामने एक 3D एनिमेशन आता है जिसमें आप एंगल वन से लॉन्च देख सकते हैं ब्रह्मोस मिसाइल का। यह है लैंड का। अगर आपको अभी समझ नहीं आया हो तो आप एंगल 2 से भी देख सकते हैं। हमें आशा है कि आपको इस बार समझ आ गया होगा। जैसा कि आप देख सकते हैं, आगे का एक ढक्कन जैसा होता है, वो कैप जैसा होता है, वो हट जाता है। उस फेज़ को ब्रह्मोस मिसाइल का बूस्ट फेज़ कहते हैं। इस फेज़ में यह अपने थ्रस्टर को बूस्ट मारता है बहुत, ताकि स्पीड इसकी बढ़ सके, और इसी कारण इसकी स्पीड बहुत बढ़ जाती है। जैसा कि आप अगली पिक्चर में देख सकते हैं कि जो इसका थ्रस्टर है वो भी अलग हो चुका है, जिस फेज़ को इसके क्रूज़ फेज़ के नाम दिया गया है। इस क्रूज़ फेज़ में इसकी, अब जैसा कि आप देख सकते हैं कि यह जो है यह कंप्यूटर के द्वारा मैनेवर किया जाता है, और यह एस फॉर्मेट में मैनेवर करता है, और इसका एस फॉर्मेट में मैनेवर करने का अंजाम यह होता है कि यह किसी भी मूविंग ऑब्जेक्ट पर सटीक निशाना लगाया जा सकता है। जैसा कि आप अभी एक शिप के ऊपर सटीक निशाना जाते हुए देख सकते हैं। आपकी जानकारी के लिए बता दें कि एक क्रूज़ मिसाइल ऐसा मिसाइल होता है जिसका उपयोग सिर्फ तब किया जाए जब किसी मूविंग ऑब्जेक्ट पर बिल्कुल सटीक निशाना लगाना हो, जैसे कि किसी उड़ते हुए एयरक्राफ्ट पर, एक तैरते हुए सबमरीन पर। अब आपकी स्क्रीन पर कुछ इसके पार्ट्स दिखाई देंगे, जैसे कंटिन्यूस रॉड हेड, इलेक्ट्रॉनिक कंपार्टमेंट, एयर टरबाइन फ्यूल पंप, एयर टरबाइन हाइड्रो पंप। अब आपकी स्क्रीन पर आ चुका है ब्रह्मोस मिसाइल के कुछ नए और कुछ विकसित किया जा रहा है, जैसे ब्रह्मोस 2 और ब्रह्मोस NG। जी हाँ, ब्रह्मोस 2 में यह होता है कि ब्रह्मोस 2 एकदम हाइपरसोनिक मिसाइल होती है, और ब्रह्मोस NG उसका छोटा वर्जन होता है। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अगर आपको थोड़ी सी भी अच्छी लगी हो तो प्लीज़ मेक श्योर टू लाइक एंड प्लीज़ सब्सक्राइब एंड डोंट फॉरगेट टू प्लेस बेल आइकन। थैंक यू।